शिवा भाई। नमस्ते शिवा भाई, गोवा से कोकेन लाने के लिए बोला था, भूल गए क्या? थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई थैंक यू। पांडे चाचा, खाना खाया क्या? यहाँ सब लोग मुझसे ही खाना मांगते हैं, एक तू ही है शिवा जो मुझसे खाने के लिए पूछता है, इसीलिए मैं तेरी इज्जत करता हूँ। क्या रे शिवा, कैसा है? ठीक हूँ सर। ए गुंडू, इधर आ। सर नमस्ते सर, बोली सर। कितनी बार बोला तुझे, जहाँ भी क्राइम करो वहाँ सीसीटीवी पर बच के रहना पागल। आप हो ना बचाने के लिए सर हमें। यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरा से बच जाओगे, लेकिन असल सीसीटीवी कैमरा तो ऊपर वाले का है, वो सबकी एक एक हरकत को रिकॉर्ड करता है, उससे कोई नहीं बच पाएगा। क्या काका, अपनी भगवान की बातें बंद करो। तुम्हारा भगवान कहाँ पर है? ऊपर है ना, तो वो यहाँ पर कैसे आएगा और क्या कर लेगा हमारा? वो जब तुम्हारा भगवान आएगा तो उसे भी हम देख लेंगे। तुम्हें तो पता ही ना कि हम लोग कौन है। अगर वो चाह लेगा ना तो तुझ जैसे राक्षस के दिल में भी आ सकता है और तुझे बदल सकता है। पर तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। क्या पांडे चाचा, कैसे हो? हाँ मैं अच्छा हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? और क्या चलेगा, खून से लथपथ चल रही है हमारी जिंदगी, मारना और काटना यही चल रहा है। यहाँ पर आने के बाद तो जिंदगी नरक जैसी होती है। हाँ अतुल से भी तो काम नहीं हुआ है क्या पूरा? आजा शिवा, आजा। छोड़ दो मैं, मत मारो। तू फोन लगाएगा या मैं घोड़ा चलाऊं? अबे गधे, घोड़े से खिलौने की तरह खेला हूं मैं। एक बार तेरे सामने खड़ा हो जाता ना, तेरी पैंट गीली हो जाती थी। ये भूल गया तू? तू मेरे को गन से डरा रहा है? तेरे पिछवाड़े में इतना दम है? अबे उसे चुप करा। अब देखता हूं तेरे पिछवाड़े में कितना दम है। ए साधु लेकर आ। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। चल रानी, चल छोड़ दो, ये मेरी बीवी है। ए इसे हाथ मत लगाना। ए लेकर अच्छा है। ए छोड़ छोड़। ए ए मेरी बीवी को हाथ मत लगाओ। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, तुम लोग कैसे इंसान हो? दुनिया में दो तरह के इंसान हैं, एक मरा हुआ इंसान, दूसरा जो इस दुनिया में अभी पैदा भी नहीं हुआ है। अरे भाई, मुझे इसके साथ एक बच्चा पैदा करना है भाई। क्या बोलता है? क्या हुआ, गुस्सा हो गई क्या? ये मेरे आदमी लोग ना बहुत फॉर्म में है। तेरी वाइफ एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए डबल एक्स या ट्रिपल एक्स करें क्या? अगर तूने फोन नहीं किया तो मेरे लड़के तेरी बीवी के साथ 20-20 मैच खेलो। करता करता फोन दो, फोन दो। तुम्हारी जैसी फोन दो, सीना को कोई छोड़ता है क्या? बात कर ऑफिसर। जैसे दत्तुल वहाँ वो कंटेनर J07NY26 उसे छोड़ दो प्लीज। लीव हर प्लीज प्लीज प्लीज। ऑर्डर हो गया, आई लाइक इट। ए गुड बॉय। भाई इसका क्या करना है? खत्म कर दो। पिताजी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अच्छी है। हम दोनों मिलकर यहाँ आए, जीने के लिए हथियार पकड़ा, और हथियार के बिना अब जीना मुश्किल हो गया है। राने भाई, DSP साहब ने भेजा है,
आप कुछ देंगे वो लेकर आने के लिए बोला है। एक बात और सुनिए, कमिश्नर का फोकस आपके ऊपर है, किसी भी समय पर यहाँ पर रेड पड़ सकता है, इसीलिए आपको होशियार रहने के लिए डीएसपी साहब ने बोला है। सारे मिनिस्टर्स मेरे ही हाथ में हैं, ये कमिश्नर क्या उखाड़ेगा? बकवास करता रहता है। पांडे चाचा, जो भी चाहिए आपको मुझे बोलने का, ठीक मैं हूँ ना, कुछ भी चाहिए तो बोलिएगा। नमस्ते मिनिस्टर साहब। देखो कैसे हैं आप। भाई तो कमाल के हैं। ऊपर पार्टी का इंतजाम किया विद फॉरेन डांसर्स। अच्छा, आइए चलते हैं। सलाम शिवा भाई। भाई गोवा से माल मंगवाया था, लाए हो ना? मेरा नाम शिवा है, देखा ना आपने यहां की कंडीशन। आईएएस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, पुलिस, कानून के रखवाले ही इन क्रिमिनल्स को सिक्योरिटी दे रहे हैं। नारायण राव राणे, माफिया डॉन, उसी का ये गेस्ट हाउस है और सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज वो यहां से ही करता है। ये गेस्ट हाउस हैदराबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, उसकी परमिशन के बिना यहां कोई कदम भी नहीं रख सकता है। अभी जो आपने रूम में एक अतुल नाम के आदमी को रानी के द्वारा टॉर्चर करते हुए देखा, दरअसल वो एक नेवी ऑफिसर है। उसने एक शिप में आ रहे कंटेनर को सीज कर दिया। उस कंटेनर में बॉम्ब, आरडीएक्स, वेपन्स और ड्रग्स हैं। जब उसने कंटेनर रिलीज करने से मना कर दिया तो उसकी वाइफ को यहां लाकर जब मैं गेट के पास था तो जिस आदमी ने मुझे बुलाया था उसका नाम शब्बीर है। यहां से 2 महीने पहले अक्टूबर 22 पठान गली में आधी रात को कुछ गुंडों ने रेप कर बेरहमी से पेट्रोल डालकर उस लड़की को जला दिया था। उसने ही किया था, वो ही। इतना ही नहीं, यहां ऐसी ही और बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, अभी भी हो रही है, ऐसे ही होने वाली है। ये सब आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इस बोतल में माइक्रो कैमरा लगाकर ये सब कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। दया करके आप इसे देखिए, ये देखिए तब आपको अच्छे से पता चलेगा, जरूर देखिए। भाई शेल्फ में एक बैग है, वो ले जाके सीए को दे दे। ठीक है भाई, मैं अभी आपको देता हूं।
हाय रितु, आजकल बड़ी हीरोइन बन गई है तू। थोड़ा मुझ पर भी तो ध्यान दे। हम सिनेमा वालों का बिजनेस ही दिखाने का है। हाँ हाँ, एंटरटेनमेंट चाहिए तो टिकट का खर्चा लगेगा। यहाँ फ्री में मुर्गी नहीं मिलती, तुम्हें लड़की मिलेगी। तो फिल्म वाली है ना, इसलिए बड़े बड़े डायलॉग मार रही है। क्या चाहिए बोल रानी। वेट करो राजा। सर। शिवा, बहुत बड़ा काम किया है शिवा, संभल कर। थोड़ा मुझे भी दिमाग में रखना। या श्योर सर, बाय। बस लड़की देखी नहीं, साले ये मर्द लोग कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। स्टुपिड। अबे तुझे कितनी बार बोला कि मेरे मामले में इन्वॉल्व नहीं होने का। अगर मेरे मामले में घुसा तो ठोक दूंगा। ए बिच्चू, कनाडा, वरना पूरी गोली तेरे अंदर उतार दूंगा। हटा, हाथ डालने के लिए मैंने बोला। अगर इसने दोबारा हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा। झगड़ा खत्म करो। समझ में नहीं आया इसकी तो। भाई सॉरी भाई, मारेगा दोस्त, मारेगा। मेरे ऊपर हाथ उठाता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। अरे अरे छोड़, मेरे दोस्त को छुआ ना तो जान से मार दूंगा। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे चल यहाँ से। सॉरी भाई सॉरी। आजा। क्यों बे, वो तुझे मार रहा था, तू देख रहा था, उसकी बत्तीसी तोड़ डालते। दिमाग खराब हो गया। अर्जुन रेड्डी का गाना सुनेगा? तुम्हारा गाना मेरे टेस्ट का नहीं है। देवदास के जमाने के आदमी को अर्जुन रेड्डी के गाने पसंद नहीं आएंगे। जवान काट दूंगा तेरी, नाटक कर रहा है क्या बे? अरे दादा क्यों गुस्सा हो रहे हो? गुस्सा नहीं करूं क्या? जमाना बदल गया तो क्या हुआ? मस्त खाने का, पिलाने का, और सामने दुश्मन आ गए तो गोली चलाने का, बुलेट निकली तो साइलेंट बनने का। समझ आया ना भाई? ये तो अंडरवर्ल्ड के रूल को अच्छे से जानता है। जबरदस्त बोला भाई। चाय ले लो। चाचा जरा अपना एक्सपीरियंस इन लोगों को बताओ। अब क्या मतलब है काका? नदी में बहने के बाद कुछ नहीं बचता। मैं अपना अनुभव इन लोगों को बताता हूँ कि शायद इन लोगों के कुछ काम आ जाए। जान पे हम खेल रहे हैं, जान हम ले रहे हैं। तू कौन होता है मैं समझाने वाला? बड़ा एक्सपीरियंस बोलने वाला। चाय देना भी कोई एक्सपीरियंस की बात है क्या? अरे एक बात बताओ, चाचा शेर एक जमाना में चाचा टॉप के हीटर थे। चाचा अपने बच्चों को ये सब बताना चाहते है, समझ गए ना? फिर काका ऐसा क्यों है? यही तो जिंदगी है। एक मौत होती है पैरालिसिस से, उसको कहते हैं हार्ट अटैक, समझ गए ना? सब सोचते हैं कि सब कुछ अपने हाथ में है। जब लाइफ रिवर्स में चलती है ना, तब पता चलता है कि रिवर्स क्या होता है। युविधा, तुम्हें ये काम दे दिया तो मुझे बहुत दुख हो रहा है बेटी। मैं बहुत खुश हूँ मामा, आप दुखी मत हो। इंसान खुद को धोखा देकर बहुत खुश होता है, पर उस खुशी में भी मजा आता है। ठीक है, ध्यान रखना। गरम है, खा लो भाई। तू भी तो बहुत हॉट है, तुम्हें खा लूं क्या? मुझे खाने वाला सिर्फ एक ही है, शिवा। वो पांडे चाचा की रिश्तेदार है, इसीलिए बच गई है, नहीं तो। क्यों रे, खा लो। जानता है भाई, ये इसीलिए बच गया तू। नहीं चाहिए, मना किया ना। तो मैं क्या है फिर? I love you। मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूँ, कितनी बार बोला है मैंने। तुम मुझे प्यार करो या ना करो, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। ये मेरी मर्जी है, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। क्या रे? इसीलिए तुझे कहता हूँ कि जल्दी शादी कर ले, समझा? आशीर्वाद दो भैया। गो टू हेल। थैंक यू। ये मेरी जान है, इसके साथ हेल क्या, कहीं पर भी चली जाऊंगी। वो ना मेरी जान है।
तू उसे क्यों जान बुला रही है? छी, ओके ओके, मैं ही बोलना बंद कर देती हूँ। जान बोलती है। तुमको चिकन पकौड़ा पसंद है ना? खाओ ना। ए, जा रहे। अब नहीं खाओगे तो मैं नस काट के मर जाऊंगी। ए, अरे क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? हाँ, ए, अरे क्या हुआ? ए, आज इसका मूड ठीक नहीं है, इसका मुंह ठीक करेंगे। बजाओ गाना। शिवा, शिवा मेरे साथ आओ। ए, जिसने मेरी पीठ पे वार किया है ना, उसे पता चलना चाहिए मेरी पावर क्या है। नरक क्या होता है आज उसे पता लगेगा। जल्दी बता। उस जर्नलिस्ट का क्या हुआ? वो जर्नलिस्ट अपनी जुबान नहीं खोल रहा है भाई। एक औरत की जुबान नहीं खुलवा सकते? उसकी फैमिली को लाने के लिए बोला था ना? लाने ही गया है भाई। हमें कुछ हो जाए इसका डर नहीं, लेकिन फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। यही डर, यही हमारा हथियार है। ए शिवा, उस जर्नलिस्ट को तू देख ले। ठीक है भाई। कैसे हो भाई? इतना डल क्यों है? कुछ नहीं यार। अरे बोला डल क्यों है, बोलना। अरे अभी जाकर आया हूँ ना, इसलिए थोड़ा टाइट हूँ। ए, तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ ना। ए, तू जब से गांव से आया है मैं देख रहा हूँ, कोई सीक्रेट है? डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है? हाँ, इसकी तो तुझे मार के मैं खुद को तकलीफ नहीं दूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नॉर्मली ही हूँ। तू सपने में क्या देखता है मुझे वो भी मालूम है, और तू मुझसे ही छुपा रहा है? हाँ? भाई नहीं भाई, जाने दो। ठीक है, जब तेरा मन करे ना बता देना, पर झूठ नहीं बोलना। ये कैसी फ्रेंडशिप है भाई, मैं समझ नहीं पाया। एक टाइम था जो कुछ भी मिलता था हम दोनों मिलके खाते थे। एक बार किसी ने मुझे चाकू मार दिया और पैसे नहीं थे, तो डॉक्टर की वाइफ के गले पे इसने चाकू रख के मेरा ऑपरेशन करवाया। मैं तो वहां से निकल गया, पर मुझे बचाने के चक्कर में इसे जेल हो गई, और अभी ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। जब उस कमीने ने इसका कॉलर पकड़ा, मैं उसकी जान निकाल देता, क्योंकि ये मेरे लिए जान से बढ़कर है। चल बता, 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 कहाँ, कहाँ है सबूत? बता, 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 कहाँ है सबूत? बता। बता दे सबूत कहाँ है। हाँ, मैक्सिमम क्या करेगा, मेरा रेप करेगा फिर मार देगा, उतना ही करेगा ना। मेरी आंखों के सामने वो मर गए, मैं मर जाऊंगी और फिर देखना, मेरे मरने के बाद सबूत बाहर आ जाएंगे, तुम सब मरोगे, बस ये देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगी, समझे? बहुत जबान चल रही है तेरी। भाई इसकी फैमिली पैक आ गई, लेकर आओ, लेकर आओ उसे, लेकर आ। छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हैं आप लोग, छोड़ दीजिए, माफ करिए मुझे। अरे पकड़ो उसे। नहीं, नहीं, हटो, हटो,
छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, हम लोग को छोड़ दीजिए। बताने के लिए बोल, फिर हम चले जाएंगे। मेरी बात सुनो बेटे, इन लोगों को जो चाहिए दे दो बेटे। नहीं पापा, इन लोगों ने जो क्राइम किया है आपको पता नहीं है। दे आर सीरियस थ्रेट टू द सोसाइटी। हमें टेररिस्ट बोलती है। हाँ, ऐसे नहीं बताएगी जेप्टाई से। अभी बताता हूँ मैं तेरे को। मैं उतार अपनी। हाँ, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जाओ यहाँ से, जाओ। ये कोई टॉर्चर करने का तरीका नहीं है। सबूत नहीं बता रही है वो। मैं डील करूंगा, सबूत का पता मैं लगाऊंगा। निकलो यहाँ से, निकलो, चलो चलो, निकल चल। सॉरी पापा, मेरी वजह से आप लोग यहाँ। उनको जो चाहिए बेटी उन्हें दे दो। ऐसा कुछ होगा इसीलिए मैंने पहले ही बोला था ये नौकरी मत करो। मेरी बात तुमने नहीं मानी। वो सारे सबूत इन्हें दे दो बेटी। सबूत दे दिए तो हम तो छूट जाएंगे, लेकिन फिर वो लोग भी बच जाएंगे। 100 लोगों को और मार डालेंगे, क्या मारने दूं उन्हें? उन लोगों की जान भी तो हमारी तरह ही है ना पापा। उनके भी तो माँ बाप हैं, भाई रिश्तेदार सब हैं। पर इन लोगों का क्या? मेरे कलीग राहुल की नई नई शादी हुई है, उसकी छोटी बच्ची वही खेल रही थी, उसे बेरहमी से मार दिया। वो हमारी नेबर थी। मेरी गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया था तो मैंने उसे घर तक लिफ्ट देने के लिए कहा। वो मुझे ओके बोलकर मुझे ऑफिस तक लेके जा रहा था और ये गैंग उसे बीच में ही आकर किडनैप कर ले गई। उसका तो इन सब से कोई भी संबंध नहीं था। 2 दिन बेरहमी से टॉर्चर करके उसे मार डाला। ये सारे लोग भी मरने चाहिए ना पापा। इन लोगों की वजह से इतने सारे मरे तो हमारी भी मौत होने दो। कोई बात नहीं है बेटा। उनको जो चाहिए वो दे दो, वरना वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। I'm ready to die। ए, पागल है क्या तू? मरने के लिए नहीं, जरा सोचने के लिए जी। इन सारे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, बस इतना ही है ना? इन सबको सजा मिलेगी, मैं बोल रहा हूं ना। एटलीस्ट अपने फैमिली के बारे में सोचो। जा रे। मिनिस्टर महाजन, उसने हमें 4 लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। मैंने और मेरे साथियों ने उन पर पेट्रोल डालकर उनका देह संस्कार कर दिया, और जिस किसी ने वो एक्सीडेंट देखा हमने उनको भी पेट्रोल से जला दिया। लास्ट मंथ 29 तारीख को एक पेट्रोल पंप में आग लगने से 26 लोग मारे गए। आपने न्यूज में देखा ही होगा, वो मैंने ही किया था। लेकिन वो एक एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। ऐसा कहकर जर्नलिस्ट ने अलग से एक फाइल तैयार की। अगर वो फाइल बाहर आ गई तो बड़े बड़े लोगों का नाम बाहर आ जाएगा। इसीलिए जर्नलिस्ट समीरा को किडनैप करके लाए हैं। पर आपको एक अजीब बात पता है? वो किडनैप हो गई है, ये न्यूज अभी तक बाहर नहीं आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्या करती? मैं करना भी चाहूँ तो करने दोगे क्या? क्या? नहाओगे क्या? छी, जरा भी शर्म नहीं है। तुमसे भला क्यों शर्म आएगी? पांडे चाचा की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ। नहीं तो क्या क्या करते तुम? छी,
मुंह बंद कर। तुम्हारा हमेशा मूड खराब रहता है, कोई फायदा नहीं है। कब तक चलेगा ये? He is mad. जल्दी से सेट कर लो, तुम्हें कितना टाइम लगेगा? चुपचाप मुंह बंद करके चल। हाँ ठीक है, समझ गई। हाँ जा रही हूँ। तुझे कितनी बार बोला है कि यहाँ नहीं आना है? तुम थे ना वहाँ, इसलिए आई थी। जहाँ तुम वहाँ मैं। मुझसे शादी करने की होप जरा भी मत रखना। जिंदगी जीने के लिए किसी अग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। एकदम सही बोला, ऐसी बातें कर और पकड़ के रख इसे। छोड़ने वाली नहीं हूँ तुम्हें। हाय, बहुत बढ़िया हूँ भाई। हे भाई, अरे छोटू कैसा रे तू? बहुत बड़ा बन गया यार। शिवा कैसा तू? भाई नमस्ते। अच्छे से चल रही है ना? एकदम मस्त मस्त चल रही है भाई। कैसा रे? बहुत बढ़िया हूँ भाई। सच में बड़ा हो गया रे। कैसा रे तू? बस बढ़िया। कैसा है छोटू? मस्त लग रहा है भाई। मुंबई कब लेकर जा रहे हो मुझे? अरे मुंबई क्या, दुबई लेकर जाऊंगा। पासपोर्ट रेडी रख, अभी मुंबई से सारा धंधा बांध, अभी दुबई से कर रहे हैं सब। सही बोला रे। मुंबई में कुछ नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, फिल्म स्टार हैं, बस। मुंबई में अल्बर्ट का नाम बोले तो सब डर जाते हैं। क्यों रे, तूने बॉडी बहुत अच्छी बनाई है। और तू बता कैसा है? सलाम भाई। क्या गुंडू, कैसा रे? बहुत दिन हो गए तेरे को देखे हुए। अरे बिल्कुल। अरे टेंशन काय को लेते हो, मैं हूँ ना। अरे भाई अरे ए पांड्या, क्या कर रहा है? इधर आना। अरे तू क्या कर रहा है उधर? अरे इधर आ रे, विश्व उसकी पी रहा है। हाँ चल इसकी कम कर, चल आप लोगों ने देखा ना, अल्बर्ट ने आकर हमें यहाँ से जाने के लिए एक पासपोर्ट दिया और उसके लिए पैसे अरेंज किए हैं कमल बदानी ने, जो कैवल्ली ग्रुप का खास, इंडिया में नंबर वन बिजनेसमैन और वर्ल्ड में नंबर थ्री बिजनेसमैन। वो कितना पावरफुल है पता है क्या? उसके खिलाफ आज तक कोई भी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR नहीं लिख पाया, आगे भी ऐसा ही होगा। और हमारे जैसे अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स के लिए पता नहीं वो इतना पैसा अरेंज क्यों कर रहा है, किस लिए फॉरेन जाने के लिए अच्छी फैसिलिटीज दे रहा है। आप लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करोगे, उसके लिए हमारे अकाउंट के ट्रांजैक्शंस चेक कीजिए, तब समझ आएगा। शिवा भाई तुम अंदर कौन है रे? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल ना। अरे कौन है रे? अरे जल्दी से दरवाजा खोल, खोल जल्दी, दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अरे जल्दी कर, दरवाजा खोल। दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लग रहा था? दरवाजा बंद करके क्या कर रहा था? और ये अंदर से आवाजें कैसी आ रही थी? एक कैसी आवाजें आ रही थी यहां से?
जियो तो पी कर जियो, सच और झूठ का फैसला तो कोई ना कोई करेगा ही। जिंदगी के मजे लो, पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। पाप करोगे तो पाप का लेखा जोखा होगा, पुण्य करोगे तो पुण्य का होगा। तब तक जिंदगी जियो। चाचा अपनी बकवास बंद कर, जब देखो कुछ ना कुछ बकता रहता है। ए, कहां जा रहा है? बाथरूम जा रहा हूँ। बार बार बाथरूम जाता है। ए, बार बार बाथरूम जाएगा तो घर कैसे बसाएगा? ए बिजू, ए निकल निकल, बाहर निकल। ए बाहर निकल, चल। ए जाओ। शिवा, बिजू, हमारे गैंग में कोई खबरी है। कैसी बात कर रहे हो भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ए, इन्फॉर्मेशन डीजीपी के ऑफिस से आया है, कोई हमारे सीक्रेट्स लीक कर रहा है। ए, सोच सोच दिमाग लगा, कल हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। ए शिवा, तेरा माइंड बहुत ही शार्प है, जरा दिमाग लगा और फाइंड आउट दैट ब्लडी कोवर्ड। भाई चोर के हाथ में चाबी दे रहे हो। ए, क्या बोला तूने? हाँ, चला बोला। हाँ, ए, ए, ये टॉम एंड जेरी की फाइट बंद करो। हे शिवा, तू जा, सारी सिक्योरिटी को अलर्ट कर, यहां पर कोई भी फोन यूज नहीं करेगा और ना ही कोई यहां से बाहर जाएगा। कोई भी मैसेज हो लीक नहीं होना चाहिए। गो 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 गो। आखिर कौन है वो? समझ में नहीं आ रहा, कौन है वो बदतमीज? हे, कोई लाइट को देख। कौन है? दमे तो सामने आ, पीछे से कौन गोली चला रहा है? कौन है बे? कौन है? ए, सामने आ। तेरी तो भाई किसी ने मार डाला इसे। कौन है बे? बीजू बता, कौन है? कौन है वो? बता। ए, बता भाई, मुझे लगता है वो भास्कर। भास्कर बेटा उठ, उसे लेकर आ जल्दी। जब देखो फोन पर रहता है। एक बार आने तो दे उसको, फिर देखता हूँ मैं। ए, भास्कर को लेकर आओ। भास्कर आ गया भाई, आ गया भाई। भाई भाई ए, और किस पे, और किस पे शक है? भाई वो कौन है, कौन हो सकता है? ए, डीजीपी। हेलो डीजीपी। हाँ राणे, मुझे अभी एक बात पता चली है। कौन है एजेंट, पता चला? कंफर्म नहीं है, सिर्फ डाउट है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक करने वाली लेडी हो सकती है। लेडी? मैं रेडी करके कंप्लीट डिटेल देता हूँ तुमको। वो लेडी है, 100% वो युविधा होगी। ए, हम दोनों के झगड़े में युविधा को मतलब? ए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन आई है, डाउट नहीं होगा क्या? ए, बिज्जू कंफ्यूज मत कर। ए, शिवा, इसने सिर्फ डाउट में ही बोला है। शिवा, यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं चलता है, ये कोर्ट नहीं है। डीएसपी बोला, मैं नहीं। ये क्या हो रहा है? तुम जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है? भाई भाई वेट। ए बिजू कंट्रोल। भाई वो जा रही है। भाई भाई मुझे थोड़ा टाइम दो, वो कौन है मैं पता लगाता हूँ। ठीक है, एक घंटे का टाइम देता हूँ, सिर्फ तेरी वजह से शिवा पता लगा ले कि वो कौन है। नहीं पता लगा तो तुझे खुद अपने हाथों से युविधा को मारना होगा। ओके? भाई भाई वो जर्नलिस्ट दिखाई नहीं दे रही है। हा? और उसकी फैमिली भी नहीं दिखाई दे रही है। इधर आ, इधर आ। हमने उसे हर जगह ढूंढा। अब तुझे सब दिखाई देगा, जा जाकर ढूंढ। निकल। ये सब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है? हे शिवा, आखिर कौन कर सकता है? आज भाई आ रहा है, आज के दिन हमारा काम ठीक से एग्जीक्यूट होना चाहिए। शिवा, वो कमीना है कौन ये पता लगाना होगा, उस जर्नलिस्ट से पता लगाना होगा। रात तक पता नहीं चला तो हमारे पूरे गैंग को मरना होगा, समझ रहा है ना तू? पूरा गैंग खत्म हो जाएगा। रेडी हो जा। देख शिवा, नो सेंटिमेंट्स।
बोला था ना यहां नहीं आना। आपने मेरी बात पे विश्वास रखा उसके लिए थैंक्स। वहां पास में हमारे लोग हैं, उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करूंगा कि सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है। आप लोग यहां से स्ट्रेट जाएंगे तो आपको एक कंपाउंड वॉल मिलेगा, अगर उससे पार कर लिया तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता। अगर मैं यहां से बाहर चली गई तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है क्या होगा। मुझे पता है, अगर मैं बाहर आ गई तो सबूत बाहर आ जाएंगे। फांसी पर चढ़ने वालों में फर्स्ट लिस्ट पर तेरा ही नाम है। मुझे पता है। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों कर रहे हो? जो बोला वो करो। भाई जर्नलिस्ट तो यहां चुप कर बैठी है।
आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भी तो एक क्रिमिनल ही है ना, ये भी तो इन राक्षसों में से ही एक है और नारायण राणे भाई का ही राइट हैंड है, फिर क्यों ये सबको शूट कर रहा है और अपने ही गैंग के लोगों को इस तरह मार रहा है। इन सारे सवालों के जवाब से पहले मुझे सबको एक चीज दिखानी होगी। इट्स माय लव स्टोरी, नैनी और मेरी एक साल की जर्नी। नैनी को जब मैंने पहली बार देखा था तो ऐसा हुआ जैसे दुनिया एक पल के लिए थम गई। ऐसा लगा जैसे मैंने फिर से जन्म लिया। बाय। एक लड़की को देखने के लिए मैं उसे फॉलो करूंगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। वो मुस्कुराती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते, शायद वो मेरे लिए खुशी के आंसू थे। अगर उससे गुस्सा आता तो मुझे हंसी आती। सोचता हूं कि तुम्हारे बिना मैंने इतने दिन कैसे जिंदगी गुजारी होगी। पिक्चर कैसी लगी? उसका हीरो ठीक ठाक था। मारूंगी। नैनी ने जब मुझे पहली बार देखा। और बोलो। और क्या है बोलने के लिए। हेलो, क्या है, क्या कर रहे हो? वीडियो शूट कर रहे हो? हाँ। इट इज रॉन्ग, हाउ कैन यू शूट, प्लीज डिलीट करो। प्लीज डिलीट करने के लिए मत कहिए, मेरे लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट? मुझे क्यों शूट कर रहे हो? जब दिल उदास हो तो देखने के लिए। What? आपको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। पर हमेशा तो आपको देख नहीं सकता ना, इसीलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ओह, बहुत होशियार लगता है। He's smart. पता नहीं ये कैसे हुआ, दोनों करीब आए, फ्रेंड्स बने, क्लोज हुए। जब मैं अनाथ था जिंदगी हर दम एक युद्ध की तरह नजर आई और दुनिया एक युद्ध भूमि की तरह, पर नैनी के आने के बाद दुनिया बहुत खूबसूरत और जिंदगी जीने की चाह होने लगी। थोड़ा मुस्कुराओ। तुम्हारी मुस्कान बहुत अच्छी है, एक बार और। आई लव यू। नैनी ने जब मुझे पहली बार आई लव यू बोला तो मेरी जिंदगी ही पूरी तरह बदल गई। आई लव यू यार। अरे तुमने कहा था मुंबई से 4 दिन में आ जाओगे। मेरे दिल ने कहा तो मैं आ गया। ऐसी जॉब करनी ही क्यों, हर दम मुंबई बैंगलोर घूमते रहते हो, वो जॉब छोड़कर यहाँ जॉब क्यों नहीं देख लेते तुम? अचानक से मैं उस जॉब को कैसे छोड़ दूं? अग्रीमेंट कैंसिल नहीं हो सकता। अरे कम से कम सेल फोन तो। क्या पागलपन है ये रिकॉर्डिंग का। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर पल हर दम मेरे साथ होना चाहिए, अगर मैं अब रिकॉर्ड करूंगा तो हर दम देख सकूंगा ना।
जब वो आराम से एक चैन की नींद सो रही हो तब उसे देखने का अलग ही मजा था। नानी, ए, आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? देखो, पैसों के लिए एक फैमिली के चार लोगों को मार डाला। फैमिली मेंबर्स, बच्चे, सब लोग अनाथ हो गए। इस तरह कोई किसी को कैसे मार सकता है? क्या उनको ऐसा करना जरा भी गलत नहीं लगता? किसी की जान लेना तो पाप है ना? क्या उन्हें ऊपर वाले का डर नहीं है? हम लोग कभी अलग तो नहीं होंगे ना? मुझे डर क्यों लगता है? जब तक मेरी जान है तब तक हम अलग नहीं होंगे। तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या? कभी कोई तुम्हारे दोस्त नहीं आते? वैसे मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। कौन? उद्धव। तो वो हमारी शादी में क्यों नहीं आया? पर फिलहाल वो इंडिया में नहीं है। नैनी, मैं क्या काम करता हूँ तुमने कभी मुझे पूछा नहीं। डिटेल्स क्या पूछना, कोई ना कोई जॉब करते होंगे। नैनी, मैं ये जॉब छोड़कर गोवा में सेटल होने की सोच रहा हूँ। वहीं कोई जॉब देख लूंगा। उद्धव भी इस बार इंडिया आ रहा है। मैं, तुम और उद्धव, हम तीनों लोग गोवा में हैप्पी रहेंगे। हर वक्त उधव उधव करते रहते हो, एक बार उसे फोन करके बात कर लो ना। मैंने अभी तक उद्धव को नहीं बताया कि हमारी शादी हो गई है। जब गोवा जाएंगे ना तब हम लोग उसे सरप्राइज देंगे। नैनी, अगर मैंने पास्ट में कोई गलत काम किया हो तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? फॉर सपोज अगर मैंने पास्ट में कोई क्राइम किया हो तो मुझे माफ कर सकोगी? क्राइम और तुम? मैं क्राइम छोड़कर नैनी के साथ गोवा जाकर वहां अच्छे से सेटल होना चाहता था। 3 days back मैं जब गोवा जा रहा था तो राने ने उस जर्नलिस्ट को और उसके कलिग्स को किडनैप करके लाने के लिए बोला। मैंने राने भाई से बोला कि मैं एक अर्जेंट काम से गोवा जा रहा हूं। मेरे साथ ही लोग जर्नलिस्ट को किडनैप करने चले गए। मैंने गोवा जाकर एक अच्छा सा घर खरीदा और सब कुछ अरेंज करके नैनी के साथ एक सुंदर दुनिया बसाने की सोची। एक बहुत ही सुंदर दुनिया। 3 घंटे पहले जब मैं अपनी डैन में आया तो मेरी अपनी नैनी यहां ऐसे मरी हुई पड़ी थी। जर्नलिस्ट को किडनैप करने गए वो लोग गलती से इसे भी किडनैप करके ले आए और लाकर मार डाला। हे भगवान। हे भगवान, मैंने जो पाप किए उसकी सजा मेरी नैनी को मिली। आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? आप तो इन चीजों से दूर रहते हो ना? फिगर ही ऐसी है, एकदम कच्ची के लिए है, मरने के बाद भी मजा देगी। क्या फिगर है भाई इसका? इसकी पूरी बॉडी एकदम केक की तरह है। सोचा था एक दिन और इंजॉय करेंगे लेकिन मर गई। और क्या करते, खूबसूरत तो थी लेकिन स्टैमिना नहीं थी, बैड लक चली गई। किसने किसने किया रे ये? पांडे चाचा और उद्धव को छोड़कर सबने किया। इन 2 दिनों में 1 मिनट का भी गैप नहीं किया। दरवाजा बंद कर गया।
हम लोग यहां से चले जाएंगे, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा, बस थोड़ा टाइम दो मुझे। मैं तुम्हारे पास जल्दी आऊंगा, मैं तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊंगा। भाई शिवा, हमारे आदमी लोग बच्चों को ले आए हैं, बस भी आ गई, तू आकर सब देख ले। ओके भाई, आ रहा हूं भाई। नैनी, मैं आ रहा हूं, कुछ देर में आ रहा हूं। एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं, एक एक करके सबको मार डालूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। संभल कर, जल्दी सबको नीचे उतार, जल्दी कर, अरे जल्दी जल्दी कर, ना नहीं देता क्या? शिवा भाई, सक्सेस। उस फादर को 10 लाख रुपए देकर उसे डरा दिया और वॉचमैन मैनेजर को मार डाला। चलो लेके जाओ, अरे जल्दी चलो। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये बच्चों को क्यों लेकर आए हैं? हमें क्या मतलब, अपने को जो बोला गया अपने को करने का, अपने को और क्या मतलब? ज्यादा बोला ना तो तेरी सारी बत्तीसी तोड़ दूंगा मैं। अपुन कर तो रहा भाई, चलो चलो। Hello. चल रख जल्दी, लिटा दो, लिटा दो से वहां। क्या भाई? हाँ रख से। ए, हाँ तुम दोनों इधर आओ, आओ मेरे साथ। क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हम लोग? यहाँ से कहाँ जाएंगे हम लोग, जीना मरना सब कुछ यहीं पर तो है। क्या बोला? चलो बताता हूँ मैं आपको। एक बात बताऊँ शिवा भाई, किडनैप कैसे किया आपको पता भी है? उस वॉचमैन को तो सुसु सुसु करवा दी हम लोगों ने। और दूसरे को तो मैंने छट से मार दिया। भाई आप राणा भाई से बोलकर हम लोगों को 5 लाख रुपए कैसे भी करके दिलवा दो ना भाई। हाँ भाई क्यों नहीं, तुम लोगों ने जो काम किया है उसके लिए तो दिलाना ही पड़ेगा। शिवा भाई आपके ऊपर मुझे बहुत विश्वास है, आप देख लेना भाई। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं भाई? उस रूम में चलो। ठीक है भाई। भाई बच्चों को लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है भाई, एक को टपकाना पड़ेगा सोचा था पर तीन को टपकाना पड़ा।
दरवाजा बंद करो। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? बताता हूं मैं। बैठो यहाँ। भाई इसे आपने ऐसे क्यों छोड़ दिया, बताए ना इसको। इसको देखकर अभी भी मेरा मूड कर रहा है भाई। ये क्या है पता है क्या? धर्मापेटा। धर्मापेटा? धर्मापेटा का मतलब क्या हुआ भाई? हाँ, तुम जिन बच्चों को यहाँ लेकर आए हो, तुम्हें पता है उनके साथ क्या करेंगे? क्या करेंगे? इस्तेमाल करके उन्हें मार डालेंगे और क्या भाई। 1,00,000 रुपए के लिए हम लोग किसी इंसान को मार देते हैं, क्या इसमें कुछ गलत नहीं लगता? गलत? क्या गलत है भाई, आप तो नई बात कर रहे हो भाई। 5 लोग मिलकर एक लड़की का बलात्कार करके उसको मार रहे हैं, तुम्हें इसमें पाप नजर नहीं आ रहा? इसमें पाप क्या है भाई, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? जब बकरा बड़ा हो जाता है तो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं क्या? हाँ। बल्कि हम लोग उसे मारते हैं और मार के खा लेते हैं। ऐसी दुनिया में क्या ऐसे लोगों के बीच हम जी सकते हैं? शिवा भाई बताओ मुझे, क्या ऐसे लोगों के बीच हम जी सकते हैं? शिवा भाई, बच्चे को लेकर आए गिरी और मधु कहाँ हैं? पता नहीं। क्या बोल रहा है? तेरे साथी तो थे? वो तो चले गए थे ऊपर। मेरा मतलब बाहर गए हैं क्या? टी और कॉफी। मुंह बंद कर। मैंने ऐसा क्या किया? चुप कर, निकल। क्या हो जाता है इसे पता नहीं, पर हुआ क्या है? दिमाग खराब कर दिया। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? कोई इंसान किसी पर आंख बंद करके भरोसा करे और वो उसे धोखा दे तो गुस्सा तो आएगा ही। अगर जान से प्यारा दोस्त ही विश्वासघात करे तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा, बोलो ना। तेरा हो गया क्या? अगर दोस्ती में धोखा खाओ तो चलता है, मगर दोस्त ही धोखा दे तो? राजू हमारा कितना अच्छा दोस्त था, लेकिन उसने सारा सबूत उस जर्नलिस्ट को दे दिया। उसे मारने की सोच रहा हूं तो मुझे दोस्ती याद आ रही है, छोड़ने की सोच रहा हूं तो मुझे धोखा याद आ रहा है। ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? क्या करने की सोच रहा है तू? अगर तू होता तो क्या करता? पहले ये पता लगाना होगा कि वो जर्नलिस्ट है कहाँ। शिवा, क्या तू मेरा सच्चा दोस्त है? क्या तू सच में मेरा दोस्त है? तू हमेशा मेरा दोस्त रहेगा।
हे, बचपन से तुझे ही फॉलो करता आया हूं मैं, आज भी तुझे ही फॉलो किया, तभी ये लोग मिल गए। क्या करना है इनके साथ, क्या करना है इनके साथ बताना। भाई जर्नलिस्ट मिल गई है भाई। ए, तुम लोग इधर आओ, इधर जर्नलिस्ट है, पकड़ो इसे, पकड़ लो, ले चलो सबको, चल पकड़ो, ए, चल ए, छोड़ दो, चल चल, हाँ छिप के बैठी थी, चल अरे चलना, भाग कर जाओगे, चल नहीं मत। जल्दी बता, सबूत कहाँ रखा है बता, नहीं बताएगी तो जान ले लूंगा, नहीं बोलेगी I will kill you, बता। शांत रहे, चुप कर, दादा बोले तो उसका गला काट दो भाई, बोल नहीं तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ए, नीचे कर इसको, नीचे कर, चुप चुप, तेरी आंखों के सामने ये कुत्ते की मौत मारेगा। ए, एसिड की बोतल लेके आ, ए जा लेकर आ, तेरी फैमिली आंखों के सामने खत्म होगी, आई नीड दैट प्रूफ, टेल मी, छोड़ दो, बता, छोड़ दो, छोड़ दो, बता, नहीं बताएगी तुझे ही मार देता हूं मैं। आप पागल हो गए हो क्या, समझ में नहीं आ रहा है, इसे नहीं मार सकते, इसके पास सबूत है, अगर ये मर गई तो हमें सबूत कभी नहीं मिलेगा, शांत दिमाग से सोचिए, जरा सोचिए, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, अपने आप को शांत करिए, शिवा करेक्ट, यू आर राइट, दैट्स व्हाई आई लाइक यू, आई लाइक यू शिवा, गुड, शाबाश, अब तू ही इसे हैंडल कर, जैसे भी हो इसके मुंह से सच निकलवा, ओके, बता इसको। हाँ भाई वही काम चल रहा है, ए, चलो रे बेटी। बेटी ए दूर हट, रोना बंद कर, थोड़ी सी भी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, ए ए तुझे बात करनी होगी, नहीं तो मेरा चाकू बात करेगा, पहले ये चाकू तेरी टांगों में घुसाऊंगा और टांगों को चीरता हुआ ऊपर आऊंगा, बता बता सबूत कहां पर है, बता। बस कर, बस कर, क्यों नहीं, पर क्यों, गलत है यार, पाप है, पाप है, गलत कहा, आज से पहले मैंने तेरे मुंह से ऐसा कभी नहीं सुना, चुप हो जा, एक की मौत और हमारी जिंदगी,
हम लोग मुजरिम हैं, हमारे अंदर कोई इमोशन नहीं होना चाहिए। तूने ही बोला था, फिर तू क्यों ऐसा बोल रहा है? बोल ना। बस एक घंटे का टाइम दे, बस एक घंटे का टाइम, बताऊंगा। तेरे अलावा मेरे पास बातें बताने के लिए कौन है रे? तूने मारने के लिए बोला, मैंने मारा। खून करने के लिए कहा, मैंने किया। अब छोड़ने के लिए बोल रहा है तो छोड़ देता हूं मैं। शिवा भाई, वो डॉक्टर और नर्स आ गए हैं। हाय सर। हाय सर, ये मिशन बहुत ही सीक्रेट होना चाहिए। अगर ये बात बाहर पता चल गई तो हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। ओके, डोंट वरी। आपने डरा इसीलिए हमें करना पड़ रहा है। चलिए। सब कुछ रेडी है ना? कोच भी छूटना नहीं चाहिए, वो मुझे दो। सर प्लीज, आप थोड़ा बाहर जाइए प्लीज। ओके। आ रहा हूँ भाई। अब ये आइसक्रीम की बंडी से हमारा क्या काम? हाँ वही तो, पहले बच्चे लेकर आए, फिर आइसक्रीम लेकर आए, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? सही कहा। तो कमाल है। लव यू। क्या बात है भाई, आपने अर्जेंटली बुलाया? गद्दार के बारे में डीएसपी का फोन आया था, पूरे गैंग में फर्स्ट प्रायोरिटी तुझे ही दे रहा हूं, तेरे अलावा किसी पे भरोसा ही नहीं होता मुझे। तेरे दिमाग पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है। अभी हुआ क्या है भाई? क्या हुआ? अरे डीएसपी ने फोन करके कंफर्म किया कि वो लड़की ही है। अभी सिर्फ डाउट है, युविदा को कहकर छोड़ने के लिए बोल रहा था। तू ही मारेगा उसे। मेरी बात सुनो भाई। शिवा, हमारे धंधे में पर्सनल इमोशंस की कोई जगह नहीं। अगर हमारे बीच में कोई कपट लड़की है तो वो युविदा नहीं, ये लड़की हो सकती है। What the fuck? Nonsense! मैं कोविड हूँ? अपनी लवर को बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है? हाँ? वो मुझे फंसा रहा है और तुम चुपचाप बैठे हो डार्लिंग? हाँ? रितु के बारे में क्या फालतू बात कर रहा है?
राणे ने अगर तुझको प्रायोरिटी दे के रखी हुई है तो इसका मतलब तो कुछ भी बकता जाएगा बास्टर्ड। यही है गद्दार, यही नीच कमीनी। अभी डीएसपी ने कंफर्म किया मुझे मारने के लिए दुबई के पाशा से इसने 10 करोड़ लिए। इस फील्ड में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते भाई। आधे घंटे से मेरा दिमाग दिमाग नहीं रहा। ए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, चल रहे एंजॉय करेंगे। चल, चल, चलो चलो। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है बता देता हूँ। हाँ भाई आ गया। बस 1 घंटे तक नाच गाना सब बंद। भेजो शिवा भाई आ गए, चलो रिसीव करना। इब्राहिम भाई, वेलकम भाई, वेलकम। कैसे हो? बिल्कुल हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा भाई, अपना अड्डा हैदराबाद का। अरे पांडे चाचा कैसे हो? सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है। बहुत दिन हो गए आपसे मिलके। भाई आ गए। और युविदा तू कैसी है? ठीक हूँ। सब ठीक है, वेरी गुड। ये चलो सब निकलो। ए चलो चलो बाहर जाओ, निकलो यहां से। हट, बस आप लोगों को यही दिखाने के लिए मैं कब से वेट कर रहा था। युविधा मुझे दो। ये राणे भाई का राइट हैंड है, जाने दो इसे। हाँ भाई, जैसा आपने बोला था सब कुछ वैसे ही हो रहा है। पहले मैं बॉम्बे आऊंगा, उसके बाद वहां से। क्या रे शिवा भाई, ये शिवा अपना बंदा। नमस्ते भाई। बहुत खतरनाक है। अच्छा चल भाई, सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, जैसा हम चाहते थे एकदम वैसा ही हो रहा है। अच्छा देखते हैं ना एक बार। दिखाता हूँ। देखा भाई, भाई इससे कहीं ज्यादा पावरफुल बॉम्ब्स मैजिकल लकस सिटी में लगा चुका हूं, इससे कहीं ज्यादा पावरफुल। लोग उन्हें बोलेंगे ये तो मैजिक लकस, बट असल में दीज आर बॉम्ब्स। कल सुबह ये दुनिया लाल हो जाएगी, ऐसा खतरनाक धमाका करूंगा सब खून 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 हो जाएगा। वो दूसरा वाला
ए, ये आपका दूसरा वाला। क्या बात है। भाई ये सारे बच्चे अनाथ आश्रम के हैं, इनकी बॉडीज में प्लास्टिक एक्सप्लोजन्स फिट कर चुका हूं। कल यानी कि 26 जनवरी को जैसे ही मिनिस्टर साहब अनाथ आश्रम आएंगे फ्लैग होस्टिंग के लिए, शुरू किया वैसे ही चीथड़े चीथड़े। और भाई ये जो प्लास्टिक एक्सप्लोजन है ना, इसको कोई मेटल डिटेक्टर डीकोड नहीं कर सकता, कोई नहीं। कल ब्लास्ट होगा और परसों मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। मुंबई माफिया डॉन इब्राहिम भाई अभी अभी राणे से मिले, आपने देखा, मुंबई ब्लास्ट के लिए। इस रिपब्लिक डे पर हैदराबाद सिटी में भी सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग है। इसके पीछे बिजनेसमैन कमल बदानी और मिनिस्टर महाजन का भी हाथ है। इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, और जो भी ये वीडियो देख के शेयर करेंगे, आपकी वजह से हजारों बेगुनाहों की जान बचेगी। मेरी पत्नी की तरह किसी बेगुनाह की जान नहीं जानी चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हम जैसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। शिवा तू इस रूम में क्या कर रहा है? हाँ तेरी प्रॉब्लम क्या है? हे तू इतना डल क्यों बैठा है? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। इसमें भी दारू खत्म। ए, सुना है जर्नलिस्ट के रूम के पीछे चार लाशें अच्छा, पड़ी हुई हैं। ये क्या बोल रहा है तू? चलो चल कर देखते हैं। चल। ए, अरे बाथरूम के पास शब्बीर मरा पड़ा हुआ है। किसने मारा होगा रे उसको? पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा यार। चलो हाँ, मैं राणे भाई को बता देता हूँ। चलो हाँ, चलो चलो। इधर भी लाशें, उधर भी लाशें, जहाँ भी देखो हमारे आदमियों की लाशें हैं। हाँ भाई, ए कौन है जो हमारे आदमियों को मार रहा है? शिवा भाई कुछ पता चला क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए तू उसको बुलाना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, पता नहीं कहाँ है वो, है ना? शिवा भाई ने अर्जेंट बुलाया तुम्हें। तुम चलो मैं आता हूँ। भाई ने साथ में लेकर आने को कहा है। चल चलो जाकर देखते हैं। हाँ चलो चलो। भाई ने मुझे क्यों बुलाया है? ये मुझे क्या पता। क्या बात है से मरा। सही कहा। भाई ने हमें यहाँ रुकने के लिए बोला है, तू जाकर उनसे अकेले में मिले।
ओके, हाँ मैं उसे देख लूंगा। शिवा, हाँ बाद में बात करता हूँ। हमारे 6 लोग 1 घंटे में लाश में बदल गए। बाहर से कोई आया नहीं है, हमारे ही बीच कोई है। कौन हो सकता है? बोलना जरा। पता नहीं भाई। हमारे बीच एक ब्लैक शिप है, और वो कौन है ये पता लगाना होगा। मुझे बस आप 5 मिनट का टाइम दो भाई, आपके सामने होगा, सिर्फ 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट। ओके, 5 मिनट्स। ओके शिवा, हमारे कुछ हथियार हैं, उनकी कंडीशन कैसी है जरा देख लो। भाई इसने ही मारा उन सबको, छोड़ के दिया आपने। चुप बे। उसको मारने में कितना टाइम लगेगा? वो कहां जाएगा? मेरी मुट्ठी में है वो। मेरा आदमी होके ऐसा क्यों कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? कौन है इसके पीछे? वो दोबारा उसे गन पॉइंट पे रखना। बात तेरी समझ में आ गई ना? वो जैसे ही पहुंचे उसे गन पॉइंट पे ले लेना। भाई हमारे 6 आदमी। पता है भाई। कौन कर सकता है? पता नहीं भाई। नहीं पता? हमारे गैंग में रहकर धोखा देने वाले का क्या करें? मार देना चाहिए भाई। और अगर वो शिवा हुआ तो? भाई डेड बॉडी का निशान देखा है मैंने, उसके रिब्स पर चोट लगी है। इस तरह से रिब्स पर मारने की आदत सिर्फ शिवा की है। वो गर्दन या रिब्स पर मारकर लोगों की जान लेता है। शिवा के जान लेने के स्टाइल मैं जानता हूं। चल ये सब छोड़ भी दे तो डेड बॉडी पर शिवा के शूज मार्क्स भी हैं। बोल शिवा का क्या करना है? उसे मार दूंगा भाई। जा जाकर मार दे, खत्म कर दे। भाई बस टेस्ट किया, वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। हमारे साथ जो भी धोखा करेगा वो मरेगा। साइड में ले जाकर पर्सनली मालूम कर, इस काम के लिए तू ही सही आदमी है, इसलिए तुझे ही बोल रहा हूं। ओके भाई। वो दो हमारी साइड में है भाई। नहीं, he is not in our side. गन के वजन से उसमें कितने बुलेट्स हैं ये पता करने का टैलेंट उद्धव में है। गन पकड़ते ही उसे पता चल गया था इसमें बुलेट्स नहीं है, इसलिए उसने गोली चलाई। बिज्जू अपने पूरे गैंग को अलर्ट कर दे। ओके ओके भाई। स्मार्ट बॉय। सब कुछ कंडीशन में है भाई। पांच मिनट भाई, बस 5 मिनट। मरने वाला आपके सामने होगा।
चल गंदे। अरे 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 देना, अरे भाई सुनो तो, अरे भाई, अरे चल गंदे देना। अरे भाई ए, तू भी दे। अबे दे। अरे क्या हुआ, गन क्यों ले रहे हो भाई? हाँ समझ में नहीं आ रहा है। तूने मर्डर किया है भाई को पता चल गया। hey! वो मर्डर तूने ही किया है भाई को सब पता है। वो सब तुझे कभी भी मार सकते हैं। उसे पता चले या नहीं पता चले, पर ये बात कंफर्म है कि सारे लोग मरेंगे। पर तू सबको मार क्यों रहा है? hey! बस तू मुझे एक बार बोलते, मैं उस राने को जान से मार दूंगा। समझा ना? क्योंकि मैं मरने से डरता नहीं, मैं तैयार हूँ। तू मुझसे कुछ तो छुपा रहा है और ये बात मुझे खाई जा रही है। यार मैं तेरा फ्रेंड हूं। बस तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर पता नहीं क्यों मैं तुझे एक बात नहीं बता पाया। बस एक घंटे का टाइम दे, मैंने बोला ना सब कुछ बता दूंगा। अब सुन, उस बॉटल के अंदर कैमरा है, यहां पर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है। कल जो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है ना, मैं पूरी दुनिया को बताने वाला हूं। और कल होने वाला बॉम्ब ब्लास्ट मैं नहीं होने दूंगा, समझ गया? और यहां पर एक एक को, एक एक को मैं जिंदा मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। ये है तेरा प्लान? ए, वो कैमरा लेकर आ। तू ठीक है ना? इसे पकड़ा। कैमरा इधर दे। ए शिवा, मारा। जो जो चाहिए वो मेरे पास है। कैमरा इधर दे। कैमरा इधर दे। कैमरा इधर दे। दे मुझे। दे दे। ए पकड़। पकड़। Yeah!
गोली तुझे लगने से पहले वो मेरे सीने में लगनी चाहिए। बात कर। नहीं। उधर देख, इधर ही कहीं होगा। हाँ, उधर देख। या नहीं भाई? हाँ उधर देख। ये अच्छे से देखना, ये कहीं होगा। आज वो बचना नहीं चाहिए, वो मरेगा। देख देख। हाँ हाँ देख रहा हूँ। उधर देख। इसकी तो कहाँ गया? युविदा, भाई ये लीजिए। हाँ हाँ, भाई ये लीजिए भाई। ये रही तो Oh!
मेरी नानी है, ये मेरी नानी है। यही एक बात थी जो मैंने तेरे से छुपाई थी। I'm sorry यार। नानी, मैं तुम्हें हरदम उद्धव के बारे में बताया करता था ना, यही है मेरा वो फ्रेंड, यही है वो। सबको मार दिया, एक को भी नहीं छोड़ा, एक को भी नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी अलग नहीं होंगे, कभी अलग नहीं होंगे।